चलिए शुरू करते हैं। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि 12 क्लास में आप लोग का एमसीक्यू हर हालत में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जो कि हम अभी आप लोग को एकदम अपनी मतलब क्या बोल सकते हैं, अब आप लोग के ही एकदम लैंग्वेज में समझाएंगे इसको। सिर्फ आप लोग को क्या करना है बच्चों, सिर्फ पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, पसंद आएगा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पूरा पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि पार्टनरशिप जो एक्ट है, जो आप लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं, जो कि पार्टनरशिप होता क्या है, जो कम से कम दो आदमी मिलकर जो बिजनेस करता है उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप। तो सबसे पहले जो पार्टनरशिप से जो रिलेटेड एक्ट आया था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप रिलेटेड जो एक्ट आया था बच्चों, वो कब किस ईयर में आया था, हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। हम लोग का किस ईयर में आया था, हम लोग का इसमें ऑप्शन आ रहा है आप लोग का 1942, 1936, 1932 और 1928। क्या आंसर होगा आप लोग गेस कर सकते हैं क्या? तो चलिए आप लोग का देखते हैं क्या सही हो सकता है। तो इसका आंसर है 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है बच्चों कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर चेंज होता है ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, की अगर जो नया पार्टनर आता है तब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, या रिटायरमेंट होता है तो, या डेथ होता है तो, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम आंसर आप लोग जो भी सोच रहे होंगे उससे पहले आप लोग को आंसर बता देते हैं। इसमें देखिए तीनों कंडीशन में जो पार्टनरशिप होता है वो तीनों, आपका घर में भी अगर कोई नया सदस्य आ जाता है तो पहले का जो भी रूल रेगुलेशन होता है उसमें थोड़ा चेंजेज आता है ना, तो इसमें आप एडमिशन हो या कोई निकल जाता है या किसी का डेथ हो जाता है तो घर में भी प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, इक्वल मतलब सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है। तो आप लोग को बार बार बोल रहे, पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, आप लोग को समय तो देना पड़ेगा, अगर देखना है तो समय तो देना पड़ेगा, छोटा छोटा वीडियो आप लोग कितना देखिएगा। तो देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो या बोथ ऑफ ए, तो देखिए इसमें क्या होगा, वन नंबर आंसर होगा, ए नंबर आंसर होना चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, जो बच्चे हिंदी का है ना, जो बच्चे हिंदी में हैं उनके लिए आप हिंदी हम बोल दे रहे हैं क्योंकि दोनों टाइप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर मान ली आपको पार्टनरशिप का पार्टनर का एडमिशन होता है, गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू इट शुड बी डेबिटेड टू, अगर गुडविल हम लोग का फुल वैल्यू से होता है तो क्या डेबिट किया जाता है, तो बच्चों इसका आंसर होगा गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट होता है, को पार्टनर जाता है, ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट में कहाँ क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, तो किस रेशियो में क्रेडिट किया जाता है ना, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इक्वली या फिर कैपिटल रेशियो में, तो आप लोग को पता ही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी पांच ही क्वेश्चन हुआ, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को देखते देखते वीडियो याद हो जाएगा, इसको सेव करके रख लीजिएगा। एक बात और बता देते हैं आप लोग का, इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग जाके प्ले स्टोर से अनूप कॉमर्स क्लासेस डाउनलोड कीजिएगा, आप लोग को वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जाइएगा, फ्री स्टडी मटेरियल देखिएगा, आप लोग एज ए स्टूडेंट लॉगिन कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिख रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट रियल अकाउंट है, या ये तो हमेशा क्वेश्चन आता है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर पर्सनल अकाउंट है, या फिर क्या है, नन ऑफ द, आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा याद रखना, जितना भी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट से जो भी रिलेटेड अकाउंट होता है हमेशा वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को और किस नाम से जाना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या नन ऑफ द एबव, तो इसका आंसर होगा PL एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, या कैपिटलाइजेशन मेथड, या तो ऊपर में जितना बताए सब, तो ऊपर में जितना बताए सब इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर एडमिशन के समय में न्यू पार्टनर का जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जो पहले से फर्म जो रहता है, फर्म में जो रहता है रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस,
ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जमा किया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आप लोग आंसर तो याद हो गया होगा ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। पहले से जिस अनुपात में बांटता है ना, उसी अनुपात में इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, गुडविल बाउट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। को नया पार्टनर आता है, गुडविल को कैश में लेके आता है, ठीक है, तो जो फर्म का जो पुराना पार्टनर लोग है उन लोग किस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, मतलब गुडविल किस रेशियो में बांटा जाता है, और नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको किस रेशियो में बांटा जाता है। तो बच्चों तो आप लोग को पता ही, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। गुडविल को किस रेशियो में बांटा जाता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, सेक्रीफाइस रेशियो में, और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में, गेनिंग रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है, तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा और किस प्रकार, 5% दिया जाएगा या 6% दिया जाएगा या 7% दिया जाएगा, नील, तो आप लोग को पता ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है बताओ, हम यहीं पर बता देते हैं आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी की। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहता है तो इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो पार्टनर लोन सिर्फ 6% पर एनम दिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटा जाता है, और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी इसमें नहीं होता। कुछ भी चीज़ बोलेगा, कुछ भी टॉपिक बोलेगा, कोई भी आइटम बोलेगा तो नॉट अलाउड कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर लोग के बीच एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन शैल बी पेड, कितना दिया जाएगा, तभी आप लोग को बताया थ्योरी थोड़ा देर पहले, आप लोग का दिमाग में भी आ गया होगा, इसका आंसर 6% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग को सिर्फ आंसर, जब हमको तो लगता है कि वीडियो अगर बार बार दो तीन बार आप लोग अगर इसको देख लेते हैं अच्छा से, तो आप लोग का तैयारी हो जाएगा इससे पूरा पार्टनरशिप का, MCQ का। क्या द रिटेन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप बॉन्ड, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, तो पार्टनरशिप डीड कहलाता है, ठीक है। चलिए आप लोग अभी तक अगर आप लोग कुछ स्टूडेंट बने हुए हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है और आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन, करंट अकाउंट कब खोला जाता है, तो आप लोग को पता ही, अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो कैपिटल फिक्स रहता है तब, फ्लैक्चुएट रहता है तो, या तो अप डाउन होता है तो जब कैपिटल फिक्स रहता है तो करंट अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के सामने आ रहा है क्वेश्चन कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो अभी बताए थे आप लोग को थ्योरी, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इक्वली।